हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मरॉक्स द व्यू ऑफ सक्सेस फार्मरॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द एंटीलेप्रोटिक ड्रग्स सो अवर टुडेज टॉपिक इज एंटीबायोटिक ड्रग्स विच आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी तो ये लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग द लेप्रोसी कि जिसको कहा जाता है हिंदी में कुष्ठ रोग उसके कोजिस उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड Mode of transmission of a leprosy. So let's begin in this video lecture. So, PharmaRox mobile application is now available. So, you can use our mobile application PharmaRox, Android application on Google Play, where you will find various test series, video lectures, and study material on the app. For more details, you can contact on 9016312020. Subscribe the channel and press on the bell icon and never miss any video of FarmaRox. सो लेप्रोटिक ड्रग्स के अंदर मेन थ्री ड्रग्स जो कही जाती है वो है डेप्सोन क्लोफाजीमाइन एंड रिफाम्पिसिन तो ये तीन ड्रग्स जो है वो मल्टी ड्रग थेरापी जिसको हम कहते हैं एमडीटी की जो कॉम्बिनेशन थेरापी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकमेंडेड जो एमडीटी है उसके अंदर ये तीन ड्रग्स जो है वो कॉम्बिनेशन में पेशेंट को दी जाती है व्हाट इज लेप्रोसी वो सबसे पहले जान लेते हैं तो लैप्रोसी इज ए क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज क्रोनिक इन्फेक्शन है कि जिसकी जो कैरेक्टराइज बाय लेस ऑफ द पेरिफेरल नर्व स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नजल म्यूकोसा वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड डिसीज एंड कुष्ठ रोग जिसको लेप्रोसी को भारत में कोड भी कहते हैं ओके okay, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कुष्ठ रोग भी कहा जाता है लेप्रोसी को हिंदी में और भारत में उसको कोड भी कहते हैं कि कुष्ठ रोग के साथ कोड वर्ड भी जो है वो यूज होता है फॉर सो लेप्रोसी के साथ काफी हिस्टोरिकल uh, एस्पेक्ट है लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ड्रीडेड डिसीज नोन टू मैनकाइंड सबसे पुरानी uh, जो डिसीज अर्लिएस्ट डिस्क्रिप्शन फ्रॉम इंडिया इन सिक्स हंड्रेड बी सी रोग एंड एट्रीब्यूटेड टू पनिशमेंट और कर्स ऑफ ए गॉड मतलब कि कुष्ठ तो रोग जो है वो है ऐसी मान्यता है कि वो पनिशमेंट है बाय द गॉड और कर्स मतलब कि उनका श्राफ या फिर सो so, सबसे पहले ये एक काफी इंपॉर्टेंट है कि सांबा की जो संस्कृत में सांब भी कहा जाता है वॉज ए सन ऑफ वासुदेव कृष्णा एंड जामवती तो इनकी स्टोरी में क्या है कि द सांबराज द नेरेटिव ऑफ सांबास गेटिंग इन्फेक्टेड बाई लैप्रोसी आफ्टर बींग दुर्वासा फॉर मुकिंग हीम लेटर ही गॉट क्योअर बाय वर्सिपिंग सूर्य इन द टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय हिम इन Uh, मित्रावन ऑन द बैंक्स ऑफ द चंद्रभागा विच वॉज वंस मुल्तान सन टेम्पल मतलब कि uh, पुराण के अंदर दुर्वासा द्वारा उनका उपवास करने पर सापित होने के बाद सांबा द्वारा कुष्ठ रोग से संक्रमित होने की कथा है कि जो uh, सांबा पुराण में भी ये लेप्रोसी के बारे में दिया है कि ऋषि दुर्वासा द्वारा उनका उपवास कर, उपहास करने पर सापित होने के बाद सांबा द्वारा कृष्ण रोग से संक्रमित होने की कथा है उसके बाद बाद में वह का आ, के तट पर मित्राणा में उनके द्वारा निर्मित मंदिर में सूर्य की पूजा करके ठीक हो गया जो कभी मुल्तान सूर्य मंदिर था और सांबा कौन थे तो वासुदेव कृष्ण और जामवती का एक पुत्र था उसके अलावा भी एक और हिस्ट्री है कि आ, अल बुखरिज मुस्लिम हदीत वॉल्यूम वन टू पॉइंट फोर फोर थ्री डॉक्यूमेंटेड प्रॉफिट मोहम्मद एपेरेंट ड्रेड ऑफ लेप्रोसी इन ही स्टेटमेंट एस्केप फ्रॉम द लेप्रस द वे यू एस्केप फ्रॉम ए लायन उसका मतलब है जिस तरह से आप एक शेर से बचते हैं उस तरह से कुष्ठ रोग से भी बचते हैं तो उसका मतलब कंक्लूजन uh, ये रहता है कि जैसे शेर से बचना जितना नामुमकिन सा है उसी तरह से है कुष्ठ रोग से बचना तो ये सब हिस्ट्री uh, है रिगार्डिंग द लेप्रोसी सो वर्ड लैपर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्केलिंग ओके ये भी आपको एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है कि वर्ड लेप्रोसी कम फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक वर्ड इट इज ए स्केलिंग माइक्रोबैक्टेरियम लैप्री वॉज डिस्कवर्ड बाय गेरहार्ड हेनरिकीन सेवनटी थ्री इन ए नॉर्वे टू एज हैं का जो दूसरा नाम है वो है भी उसको कहा जाता है बिकॉज सबसे पहले 1873 में जो गेरहार्ड हेनरिक हैंसन नाम के जो साइंटिस्ट ने यह सबसे पहले डिस्कवर की लेप्रोसी कंट्रोल स्टार्टेड विद द यूज ऑफ चॉल मोगरा ऑयल एंड द लास्ट थ्री डिकेट्स एम डी टी हैज बीन द मेन टूल अगेंस्ट द लैप्रोसी जो हमने आयुर्वेदिक के अंदर पढ़ा है या फिर फार्माकोग्नोसी के अंदर ये ड्रग आती है चॉल ऑयल कि वो आ, हर्बल ड्रग है आयुर्वेदिक प्रिपरेशन से कि जो यूज होती है इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी की उसका जो तैला प्रिपरेशन जो हम कहते हैं आयुर्वेदिक जॉल मुगरा ऑयल तो वो यूज होता है और उसके बाद अभी जो लेटेस्ट में एमडीटी टी थेरापी की जिसके अंदर प्रेजेंट है डेप्सॉन रिफाम्पिसिन एंड क्लोफाजिमाइन ये तीन ड्रग्स कॉम्बिनेशन में यूज होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लैप्रोसी नेक्स्ट so, uh, है कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व अराउंड द वर्ल्ड ऑन द लास्ट संडे ऑफ जनवरी कि जो जनवरी मंथ है उसका जो लास्ट संडे सो हम यहाँ पे देख सकते थे कि दिस इज द लास्ट संडे ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ जनवरी कई बार ऐसा होता है कि ट्वेंटी नाइन को भी कई बार लास्ट संडे आता है ट्वेंटी एट के आसपास मतलब कि ट्वेंटी फाइव से लेकर थर्टी वन के बीच में कई बार अलग अलग साल में लास्ट संडे जो है वो आता है सो so, uh, हम हम तो टू कि जिस दिन वर्ल्ड लेपोर डे जो है वो मनाया जा सकता है सो द डे वॉज इनिशिएटेड इन द नाइनटीन फिफ्टी फोर बाय फ्रेंच फिलानथ्रोपिस्ट एंड राइटर राउल फॉलोरू एज वे टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ दिस डेडली एंसियंट डिस की जो सबसे पुरानी जो डिसीज है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ग्लोबल अवेयरनेस फैलाने के लिए जो वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो है वो मनाया जाता है सो वॉट इज द कोजिज ऑफ लेप्रोसी तो लेप्रोसी के लिए जो कोजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम कहे तो वो है माइक्रो बैक्टेरियम सो लेप्रोसी कोज बाय माइक्रोबैक्टीरियम लैपरे हैजिन कंसिडर्ड इनक्यूरेबल सिंस एजिस एंड बियर्स अ सोशियल स्टिग्मा ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स नाउ इट इज एंटायरली क्यूरेबल बट डिफॉर्मिटीज एंड डिफेक्ट्स ऑलरेडी इनक्योर्ड मे नॉट बी रिवर्स मतलब कि जो हम आगे पढ़ेंगे कि उसके जो साइन और सिम्टम्स है उसके करंट जो डिफेक्ट्स होती है ओके okay, डिफॉर्मिटीज पाई जाती है पेशेंट के अंदर वो आप रिवर्स नहीं कर सकते बट उसकी जो ट्रीटमेंट है वो क्योर हो सकती है मतलब कि माइक्रो बैक्टीरियम का जो भी इन्फेक्शन है वो समझो कि आप 100 परसेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करके पेशेंट को डिसीज में से जो है वो फ्री कर सकते हैं व्हाट इज माइकोबैक्टीरियम बैक्टेरियम लैपरे तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है कि ये बैक्टीरिया कौन से टाइप का है उसकी क्या है तो इट इज एन इंट्रा पैथोजेनिक बैक्टीरियम ओके ये आपके लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट है काफी इंट्रासेल्युलर है एसिड फास्ट पैथोजेनिक बैक्टीरियम उसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट एरोबिक बेसिलस है ओके इट इज ए बेसिली रोडसेप्ड बैक्टीरियम। यहां पे आप देख सकते हो कि रोड रोडसेप बैक्टीरियम की जो सेम थे कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर ट्यूबरकुलोसिस के में पढ़ा था कि माइको बैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस तो tuberculosis के, के बैक्टीरिया इस टाइप के रोड सेप बैक्टीरिया थे विथ पैरल साइड्स एंड राउंड एंड्स सराउंडेड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स वैक्सीकोटिंग इक्रो बैक्टेरिया की जो माइक्रो बैक्टेरिया के आसपास जो ये यूनिक कोटिंग रहता है इन साइज एंड सेफ इट इज क्लोजली रिसेंबल्स माइक्रो बैक्टेरियम ट्यूबर क्लोसिस तो ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग माइक्रो बैक्टेरियम लेपरे ड्यू टू इट्स थीक वैक्सी कोटिंग माइक्रोबैक्टेरियम लैपरेस्टेन्स विथ ए कार्बॉल फुसचिन फुचसिन राधर देन विद द ट्रेडिशनल ग्राम स्टेन ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि माइक्रोबैक्टेरियम uh, लैपरे उनका जो स्टेनिंग के लिए कौन सा रिएजेंट नॉर्मल ग्राम स्टेन से वो स्टेन नहीं होते उसके लिए कार्बल खुदसिन uh, जो है वो स्टेनिंग जो रिएजेंट यूज होता है द कल्चर टेक्स सेवरल वीक्स टू मैच्योर यह काफी इंपोर्टेंट है काफी वीक्स लग जाते हैं ऑप्टिकल माइक्रोसोपी सोस माइकोबैक्टीरियम लैपरे इन द क्लम्स राउंडेड मासेस और इन ए ग्रुप ऑफ बेसिली साइड बाय साइड एंड रेंजिंग फ्रॉम वन टू एट माइक्रोमीटर इन लेंथ ओके यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी एक माइकोबैक्टीरियम लैपरे पकड़ो तो मिनिमम वन टू एट माइक्रोमीटर उसकी लेंथ रहेगी और उसका जो डाया है ये वाला ओके okay? वो है अराउंड पॉइंट टू टू पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर इन ए डायमीटर तो ये जान लिया हमने माइक्रोबैक्टीरियम uh, लेप्रे के बारे में जो हमने आगे बात की कि डिस्कवरी कि ये जो महान साइंटिस्ट जिन्होंने फाइंड uh, की डिसीज हैंसंस ओके डिस्कवर बाय हैंसन्स फ्रॉम नॉर्वे 1873 जिसके कारण हम उसको हैंसंस डिसीज भी कहते हैं लैप्रो से डेवलप्स स्लोरी फ्रॉम सिक्स मंथ टू अपू फोर्टी ईयर्स मतलब कि उसका इंक्यूबेशन पीरियड काफी लॉन्ग है जिसके कारण जल्दी उसका डायग्नोसिस वगैरह नहीं हो पाता सो मोड ऑफ इन्फेक्शन तो उसका इन्फेक्शन कैसे होता है तो ऑल्दो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ओके प्राइमरी सोर्स क्या है इन्फेक्शन का तो ह्यूमन टू ह्यूमन की वन पर्सन टू अनदर पर्सन उसका प्राइमरी सोर्स से इन्फेक्शन होने के उसके अलावा भी जो थ्री अदर स्पीसीज कैन कैरी एंड रेयरली ट्रांसफर माइक्रोबैक्टेरियन लेबरेट ह्यूम आर चिंपांजिस मैंगा बे मंकिस एंड नाइन बैंडेड अर्माडिलोस कि पे देख सकते हो ये डायग्राम्स के अंदर ये वाले कि ये जो है नाइन बैंडेड आर्माडिलोज है तो उनके द्वारा भी ह्यूमन्स के अंदर इन्फेक्शन जो है वो फैलता है कि दीज आर नाइन ओके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो भी एक है मोड ऑफ इंफेक्शन के सोर्स उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर द चिम्पांज़ेस कि जो ह्यूमन्स के अंदर फैला सकते हैं एंड मैंगा मंकीस तो ये तीन सोर्सेस है और दूसरा समझो कि ह्यूमन के अंदर वो आ जाता है तो फिर टू human ह्यूमन human भी उसका ट्रांसमिशन या फिर मोड ऑफ इंफेक्शन हो सकता है नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन द स्प्रेड ऑफ लैप्रोस बिलीव टू बी वाइया नजल डिस्चार्ज अब मोड ऑफ इंफेक्शन तो जान लिया बट ट्रांसमिशन कैसे होता है कौन से रूट से तो ये है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वाया नजर डिस्चार्ज समझो कि स्निजिंग ओके okay? स्नीजिंग करता है वो पेशेंट उसके कफिंग नजल सिक्रेश वगैरह के कारण जो माइकोबैक्टीरियम लैपरे जो है वो हवा के अंदर फैल जाते हैं और वो कॉन्टामिनेटेड एयर ब्रीथिंग में लेने से दूसरा जो हेल्दी पर्सन है उसको भी लेप्रोसी होने के चांसेस है वन क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू वन एम ऑफ नजल सिक्रेशन कंटेन वन टू टू मिलियंस ऑफ ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ समझो कि वन एम भी नजल सिक्रेशन होता है कोई पर्सन का ओनली लोवेस्ट वन एम तो उसमें भी अराउंड वन टू टू मिलियंस लैप्रेबेली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट अदर मोड ऑफ ट्रांसमिशंस आर कॉन्टेक्ट थ्रू द स्किन इज वेरी रेयर आर्थर डिसीज बॉर्न इंफेक्शन ऑल्सो रेयर एंड थ्रू प्लेसेंटा एंड मिल्क मतलब कि जो प्रेगनेंसी के दौरान समझो कि पेशेंट को लेप्रोसी है तो चांसेस है कि जो प्लेसेंटा थ्रू uh, या फिर milk secretion के द्वारा जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके अंदर भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन होने के चांसेस है सो वॉट डज द लेप्रोसी कोस अब लेप्रोसी जो हम बोल कह रहे हैं कि उसके अंदर होता है क्या है सबसे पहले तो तो लैप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे क्या करते हैं कि सीवियर डिसफिगरिंग स्किन सोर्स एंड नर्व डैमेज ओके समझो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं ये जो हैंड है ओके तो पहले तो एकदम नॉर्मल सा हैंड होगा बट जैसे ही ये इन्फेक्शंस होता है का उसका इंक्यूबेशन पीरियड जैसे जैसे स्टार्ट होके वो कंप्लीट डिसीज के अंदर कन्वर्ट होता है तो जो भी पेशेंट है उसके स्किन इस तरह से जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि और डिस्फिंगरिंग द स्कीन सोर्स ओके उसके बाद वो स्किन के रिलेटेड जो भी नर्व है कि समझो कि यहाँ पे मेनली हाथ का जो पोर्सन है लेग्स का जो यहाँ पे पोर्शन हम देख रहे हैं तो वो है तो वहाँ पे क्या होगा सेंसरी नर्व्स प्रेजेंट होगी मेनली सेंसरी नर्व्स तो क्या होगा ये इसके साथ जो अटैच सेंसरी नर्व है व या फिर जो स्किन के लेयर के आसपास जितनी भी नर्व्स है वो धीमे धीमे वो डैमेज करता जाएगा मतलब कि उसके कारण फिर आर्म्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आर्म्स लेग्स एंड स्किन एरिया अराउंड द बॉडी फिर धीरे धीरे पूरे बॉडी के अंदर वह फैलता जाएगा देन लेप्रोस कैन कोज द प्रोग्रेसिव एंड परमानेंट डैमेज टू द स्किन नर्वस लिम्स एंड आईज अब क्या होता है कि समझो कि सबसे पहले स्किन डैमेज होती है स्किन के नीचे प्रेजेंट नर्व की जो सेंसरी न्यूरोन् वगैरह वो डैमेज होती है रिजल्टिंग आगे जाके लिम्स और फिर आईज भी डैमेज होने के चांसेस है और जो भी पेशेंट है उसको फिर सेंसेशंस काफी कम होते हैं समझो कि सेंसरी न्यूरॉन्स भी डैमेज हो जाती है तो समझो कि ये हाथ कोई गर्म सरफेस को भी टच करेगा तो भी उसको सेंसेशन बहुत ही कम आएंगे रीजन डैमेज ऑफ द सो व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स तो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द आर वेरी सबटल एंड अकरूजली ओवर काफी साल लग जाते हैं जो उसके मेन साइन एंड सिम्टम्स डेवलप होने में सो so, सबसे पहले क्या है एंड लॉस ऑफ सेंसेशन ओके ये हम इसलिए आपको पता चल गया होगा जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि वो क्या डैमेज करता है नर्व और साथ में स्किन तो स्किन जो है वो हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो एटमोसफियर में जो भी चेंजेस होते हैं कि टेम्परेचर चेंज होता है और ठंडी का एहसास होता है गर्मी का एहसास होता है तो लॉस ऑफ टेम्परेचर सेंसेशन देन कैन नॉट सेंस वेरी हॉट और कोल्ड टेम्परेचर एंड नमनेस इज ऑल्सो द फर्स्ट सिम्टम्स आफ्टर दैट एज द डिसीज़ प्रोग्रेस द सेंसेशन ऑफ द टच देन पेन एंड इवेंचुअली डीप प्रेशर्स आर डिक्रीज और लॉस्ट और जैसे जैसे वो डिसीज की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है टच सेंसेसन पेन रिलेटेड एंड इवेंचुअली डीप प्रेशर आर डिक्रीज और लॉस्ट मेन उसका रीजन है डैमेज ऑफ द नर्व या फिर न्यूरोन्स जो भी न्यूरोन्स है स्किन के नीचे प्रेजेंट वो सब न्यूरोन्स धीरे धीरे डैमेज होते जाते हैं जिसके कारण जो सेंसरी न्यूरोन्स मोटर न्यूरोन्स जो काम करती है और सेंसरी न्यूरोन का मेन काम होता है सेंसेशन uh, का मूवमेंट तो होगी क्योंकि मोटर तो काम कर रहे हैं बट मेन फंक्शन डैमेज होगा सेंसरी न्यूरॉन्स का इसके कारण पेशेंट को सेंसेशंस जो है वो काफी कम हो जाते हैं अब देखो लॉन्ग टर्म उसके डेवलप होंगे तो यहाँ पे हम ये डायग्राम में देख सकते हैं ये जो एक पेशेंट है ओके okay? तो रिलेटिवली पेनलेस अल्सर्स जी आई ट्रैक के अंदर फिर स्किन लेसंस ऑफ हाइपो पिगमेंटेड मैक्यूल्स यहाँ पे देख सकते हो ऑफ हाइपो पिगमेंटेड मैक्यूल्स ये जो स्किन ऊपर जो है वो हाइपो पिगमेंटेड नॉर्मल बॉडी का जो कलर है उससे उसका कलर जो है वो आपको डल दिखाई देगा देन अ फ्लैट पेल एरियाज ऑफ द स्किन कि जो पेल एरियाज है फ्लैट एरिया है स्किन के वहां पे वो काफी ज्यादा डेवलप होंगे एंड आई डैमेज अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो आइस के आसपास ये धीरे धीरे फैलता जाता है और फिर अंदर की ओर जो आई डैमेज कैसे होगी तो वहां पे ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट है और लैपडोसी का मेन काम है वो बैक्टीरिया क्या की नर्व भी डैमेज करते हैं न्यूरॉन्स भी तो, तो क्या होगा आइज डैमेज होगी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ डैमेज ऑफ ऑप्टिक न्यूरॉन्स जो ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट है लेट स्टेज में क्या होगा लार्ज लॉस ऑफ डिजिट्स एंड डिस्फिगरमेंट फॉर एग्जाम्पल हैंड्स फीट फेस एंड नीज मतलब कि पूरे बॉडी में फिर ये फैल जाएगा सो वॉट आर द रिस्क फैक्टर्स कि ये होता कैसे है तो समझो कि आप रेसिडेंस हो ऐसे एंडेमिक एरिया के एंडेमिक मतलब कि पर्टिकुलर कोई रीजन है कि वहां पे ये लैप्रोसी केसेस पाए जा रहे हैं बहुत सारे या फिर वो एरिया में इस तरह का इन्फेक्शंस ज्यादा है तो वो एंडेमिक एरिया के आप समझो कि रेसिडेंट हो तो आपको ये होने के चांसेस है आफ्टर दैट पुवर्टी उसका मतलब है कि माल न्यूट्रिशन देन कांटेक्ट विद द अफेक्टेड अर्माडिलो की जो हमने आगे ट्रांसमिशंस के अंदर देखा अर्माडिलोज या फिर सिम्पांजिस और नेक्स्ट इज इम्यूनिटी ओके तो ये है रिस्क फैक्टर उसके अलावा भी जो दूसरे रिस्क फैक्टर से द इंक्यूबेशन पीरियड रेंजिंग रेंजेस फ्रॉम थ्री टू फाइव ईयर्स मतलब कि कोई एक पर्सन को समझो की लैप्रोसिका इंफेक्शन लग चुका है ओके okay? तो उसके अंदर सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे आफ्टर द थ्री टू फाइव ईयर्स और ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो दरमियान समझो कि आप ये इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हो क्लोज कांटेक्ट में तो आपके अंदर भी ये माइकोबैक्टीरियम बैक्टेरियम लेपरे जो है वो फैल जाता है उसके कारण क्या होगा पहले ये एक पर्सन था उसके कॉन्टेक्ट में आके एक और पर्सन में होगा फिर ओ, तो इस तरह से पूरी जब उसकी साइकिल जो है वो बढ़ती जा सकती है देन मेल्स एपियर टू बी ट्वाइस कॉमन देन फीमेल्स देन बायमोडल एजिज लाइक टेन टू फोर्टीन ईयर्स थर्टी फाइव टू फोर्टी फोर ईयर्स की रेंज में देखा जा सकता है देन चिल्ड्रन्स आर मोर सक्सेप्टेबल टू द डिस चिल्ड्रंस के अंदर काफी जल्दी हो सकता है ड्यू टू द लो इम्यूनिटी पावर देन जिनेटिक फैक्टर्स एग्जाम्पल एच एल ए मार्कर्स में डिटरमाइन द टाइप ऑफ लेप्रोसी विच द पेशेंट डेवलप्स सो so, अब नेक्स्ट है कि डायग्नोसिस कैसे जा, किया जाए तो स्लेट स्किन स्मियर की जिसको रिपोर्टिंग द स्मियर्स या फिर बायोप्सी कहते हैं हम किस तरह से जो पेशेंट है सो हियर यू कैन सी द बायोप्सी ऑफ दिस पेशेंट ओके ये जो पेशेंट है यहाँ पे यू ये बायोप्सी जो कर रहे हैं कि जिसको कहा जाता है स्लेट स्किन स्मियर यहाँ से जो पेशेंट के जो स्मीयर जो है वो लिए जाते हैं और फिर उसका जो है वो स्टडी की जाती है इस तरह से तो देन रेडलिस बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स ये आपके लिए जानना जरूरी है कि जो बीआई इंडेक्स जो है वो यूज किया जाता है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है तो रेडलिस बैक्टीरियोलॉजिकल इंडेक्स इज यूज यूनिवर्सली टू जज बैक्टीरियोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ मल्टी केसेस देन इट इज लॉगेरिथमिक स्केल एंड थर्स ए राइजेज इन बी आई फ्रॉम वन टू टू इज नॉट जस्ट एन एडिशन ऑफ वन यूनिट बट इट एम्प्लाइज मल्टीप्लीकेशन बाय अ फैक्टर टेन तो उसके अंदर क्या होता है कि समझो कि उसका इंडेक्स के अंदर वैल्यू जीरो है मतलब नो बेसिली इन द हंड्रेड फील्ड्स देन वन प्लस इट मीन्स वन टू टेन बेसिली इन हंड्रेड फील्ड्स टू प्लस इट मीन्स वन टू टेन बेसिली इन टेन फील्ड्स थ्री प्लस इट मीन वन टू टेन बेसिल इन वन फील्ड फोर प्लस मीन टेन टू हंड्रेड इन वन फील्ड फाइव का मतलब होता है हंड्रेड टू वन थाउजेंड इन वन फील्ड एंड सिक्स प्लस मीन्स ग्रेटर देन वन थाउजेंड बेसिल इन फील्ड तो जैसे जैसे वो बी आई इंडेक्स बढ़ता जाता है इससे जो मल्टीप्लीकेशन जो है वो बैक्टीरिया का काफी बढ़ रहा है वो आप देख सकते हो या फिर उसकी इंटेंसिटी

बॉर्डर लाइन ट्यूबरक्लोइड इट मीनस बी टी सेम वहां पे बॉर्डर लाइन बॉर्डर लाइन जो है वो है बीबी बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस बी एल एंड लेप्रोसी इट इज ए एल एल आफ्टर दैट ये भी एक चार्ट है कि जो रेडली जोपलिंग क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एंड डब्ल्यू एच ओ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग टू जो अलग अलग उसके टाइप से कि बेस्ड ऑन होस्ट होस्ट इम्यूनिटी टी टी जो आगे आपने जो शॉर्ट फॉर्म्स के फुल फॉर्म्स देखे बी एल 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 उसके रिलेटेड बी टी बी बी एंड बी एल आफ्टर दैट डब्ल्यू एच ओ क्लासिफिकेशन है कि जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव कि समझो कि टेस्ट जो नेगेटिव है तो उसको पॉसीबेसिलरी वन टू फाइव स्किन लेस एंड पॉजिटिव है तो मल्टी बेसिलरी ग्रेटर देन सिक्स स्किन कि जिसको स्लिट स्किन स्मियर्स जो हमने आगे डिस्कस किया सो व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट सो इन 1941 प्रोमिन और सल्फ़ोन ड्रग सो एफिकेसी बट रिक्वायर्ड मेनी पेनफुल इंजेक्शन अब पढ़ते हैं हम रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ओके कि ट्रीटमेंट कैसे की जाती है तो 1941 में जो प्रोमिन करके जो ड्रग थी ओके okay, वो यूज uh, की जाती थी सल्फन ड्रग्स मेनी पेनफुल इंजेक्शन टू इफेक्टिव इन दिन बट सुन इन इनटीन सिक्सटीन सेवेंटी माइक्रोबैक्टेरिया डेवलप्स रेजिस्टेंट टू डेवलप उसके बाद क्या हुआ डेप्सोन जो है वो इफेक्टिव रही काफी इन नाइनटीन फिफ्टीज बट जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया 1960s, 1970s के दौरान डेप्सोन का क्या हुआ रेजिस्टेंस डेवलप हो गया माइकोबैक्टीरियम लैपरे के अंदर फिर उसकी इफेक्टिवनेस काफी कम होने लगी सिंगल कॉम्बिनेशन में सो इन द अर्ली 90s, सॉरी uh, अर्ली 1960s रिफाम रिफार्म पीसिन एंड माइंड द अदर टू कंपोनेंट्स ऑफ एम डी टी वेर डिस्कवर्ड पर जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता गया नाइनटीन सिक्सटीज में अंदर रेफाम्पिस क्लोफाजी माइन वो दो डिस्कवर की गई ड्रग और उसके बाद ये कॉम्बिनेशन जो है वो शुरू हुआ कि जो हम अभी तक यूज करते आए हैं इन दिस ट्रीटमेंट सो दिस मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंट मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट वॉज रिकमेंडेड बाई डब्ल्यू एच ओ एटी वन एंड रिमेन्स प्रेजेंट स्टिल विथ माइनर चेंजेस द थेरापी ऑफ चॉइस सिंस 1995 नाइन फाइव डब्ल्यू एच ओ प्रोवाइड द फ्री एमडी टी फॉर ऑल पेशेंट्स इन द वर्ल्ड ओके ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी कि की ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है बाय द डब्ल्यू एच ओ की जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से किस लाइक पी एच सी सेंटर से सी एच सी सेंटर से सिविल हॉस्पिटल से ओके uh, okay, की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर के अंदर जितनी भी सरकारी हॉस्पिटल्स होती है वो सभी के अंदर इसकी जो ट्रीटमेंट जो है वो फ्री में होती है एम डी टी डज नॉट अल्टर द डैमेज डन टू एन इंडिविजुअल्स बाय माइक्रोबेक्टर लैपरे बिफोर एम डी टी इज स्टार्टेड मतलब कि जो डैमेजेज होते हैं या फिर कोई डिफेक्ट्स होती है तो उसको क्योर नहीं की जा सकता बाई दिस एम डी टी सो एन एल इपी बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो यार लॉगो है ये एन एल इपी का कि नेशनल लेप्रोसी इ रेडिकेशन प्रोग्राम जिसको कहा जाता है इज द हेल्थ स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इ रेडिकेट लेप्रोसी इन इंडिया कि लेप्रोसी को कम्प्लीटली इंडिया में से नाबूद करने के लिए ये जो गवर्नमेंट कैंपेन चलाती है एन एल इपी की जिसका फॉर्म फौर, है एन मतलब कि नेशनल एल मतलब ई पी इट प्रोग्राम कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम है एंड इट वॉज लॉन्च इन नाइनटीन एटी थ्री एज ऑफ द नेशनल प्रोग्राम ऑफ नाइनटीन फिफ्टी फाइव जो प्रीवियस uh, प्रोग्राम था नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम की जो 1955 में स्टार्ट हुआ था उसका ही न्यू रिवाइज वर्जन जो हम कह सकते हैं वो है एन एल की जो लॉन्च हुआ 1983 के अंदर जिसके अंदर गवर्नमेंट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देती है टू लेप्रोसी पेशेंट्स सो क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रोटिक ड्रग्स जो सबसे पहले है सल्फॉन की जिसको डेप्सोन सल्फोन क्लास के अंदर डेप्सोन ड्रग फेमस है देन फिनाज़िन डेरिवेटिव्स क्लोफाजिमाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रिफाम्पिन एंड इथियोनामाइड तो ये कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज होती है ल्यप्रोसी के अंदर डेप्सोन क्लोफाजिमाइन रिफाम्पिन एंड इथियोनामाइड तो सबसे ज्यादा मेन फेमस डेप्सोन क्लोफाजिमाइन एंड रिफाम्पिन का कॉम्बिनेशन अभी तक वाइडली यूज हो रहा है तो रिफाम पिसिन हम सब जानते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है फिनेसिन डेरिवेटिव है क्लोफासिमिन एंड सल्फॉन डेरिवेटिव इट इज ए डेप्सोन अदर एंटीबायोटिक्स लाइक ओफ्लॉक्सिन मॉक्सिफ्लॉक्सिन मिनोसाइक्लिन क्लेरिथ्रोमाइसिन आर आल्सो यूज तो ये है डेप्सोन ड्रग इट इज ए डाई अमाइनो डाई तो डेप्सोन का केमिकल नेम क्या है तो वो है डाई एमाइनो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज वन एंड दिस इज द सेकंड डाई एमाइनो डाई फिनाइल ओके ये दो फिनाइल रिंग्स आप देख सकते हो एंड दिस इज द सल्फोन द सिंपलेस्ट ओल्डेस्ट चीपेस्ट मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट कॉमनली यूज मेम्बर ऑफ इट्स क्लास कि जो डे सल्फॉन क्लास की जो भी ड्रग है वो सिर्फ अभी डेप्सोन ही वाइडली यूज होती है ऑल अदर बिकम सल्फोनिट सो व्हाट इज द दिजम ऑफ एक्शन ऑफ दिस डेप्सोन डेप्सोन इज केमिकली रिलेटेड टू द एंड हैज द सेम मेकेजम ऑफ एक्शन सल्फोनेमाइड की जो मेकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि इनहिबिशन ऑफ पाबा इन कॉर्पोरेशन इंटू फॉलिक एसिड बाय फॉलेट सिंथेस तो मेकेनिज्म पे काम करता है कि जो की एमाइड है कि इनहिबिशन ऑफ पाबा द एंटी बैक्टेरियल ऑफ डेप्सोन इज एंटागोनाइज बाय द पाबा एस एन एंटीबैक्टेरियल डेप्सोन इनहिबिट्स द बैक्टेरियल सिंथेसिस बाय डायहाइड्रोफॉलिक एसिड वाया कॉम्प्लेटेशन विथ पैरामजोइट फॉर द एक्टिव साइट ऑफ डायहाइड्रो टेरो एट सिंथेस देर बाई इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस तो मेन ये काम क्या करता है लास्ट में न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट करता है इन बैक्टीरिया ए हाईली प्रिफर एंटी बैक्टीरियल इन ट्रीटमेंट ऑफ लैप्रोस उसकी प्रोटीन बाइंडिंग है अराउंड सेवेंटी टू नाइनटी परसेंट अब डेस्टोन की जो साइड इफेक्ट हुए नोजिया वॉमिटिंग लॉस ऑफ हेपेटाइट डिनेस विज़न, रिंगिंग इन दस हेड एक एंड इंसोमिया तो ये आपको खास याद रखने हैं उसके मेन कॉमन साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो है क्लोफासीमाइन जिसके एक्शन हम जान लेते हैं कि क्लोफासीमाइन वर्क्स बाय बाइंडिंग टू गोए नाइन बेसिस ऑफ बैक्टीरियल डीएनए ओके बैक्टीरियल डीएनए के साथ वो बाइंड uh, तो होता है बट कौन से गोए नाइन बेजिस देर बाय ब्लॉकिंग द टेम्पलेट फंक्शन ऑफ डी एन एंड इनहिबिटिंग बैक्टेरियल प्रोलीफेरेसन सो मेनली डीएनए की एक्टिविटी इनहिबिट करता है देन अल्ट्रेशन ऑफ मेमब्रेन स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट फंक्शन डिस्प्रशन ऑफ माइटोकॉन्ट्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिस्प्रेशन करता है माइटोकॉन्ट्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को और साथ में उसका मेन ट्रेड नेम है वो है लैम्प्रिन ओके ये ड्रग जो है उसका ब्रांड नेम है या फिर ट्रेड नेम आप कह सकते हो लैम्प्रीन हाफ लाइफ है अराउंड सेवेंटी डेज ओरली एक्टिव अराउंड फोर्टी टू सेवेंटी परसेंट इज एब सो वॉट आर दाइड इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वो आपको जानना जरूरी है फॉर द एग्जामेशन ऑफ द स्किन एस्पेश पार्ट की जो एक्सपोज पार्ट है वहां पे बॉडी के जो खुले पार्ट है समझो कि फेस तो फेस आप हमेशा नहीं टकते फिर हैंड्स का जो पोर्सन रहता है ओके okay? लेग्स जो लिम्स का जो पोर्सन के जो ऑलवेज कवर्ड नहीं होता ओके okay? तो वहाँ पे खास uh, होता है रेडिस ब्लैक डिस्कलरेशन डिस्कलरेशन ऑफ हेयर एंड बॉडी सिक्रेशन इज ऑल्सो ड्राइनेस ऑफ स्किन एंड इचिंग इज द द्रबल सम क्लोफाजिमाइन इज टू बी एवॉइडेड ड्यूरिंग द अर्ली प्रेगनेंसी एंड इन पेशेंट विथ लीवर और किडनी डैमेज क्योंकि वो किडनी और लीवर को ज़्यादा अफेक्ट करता है नोजिया एनोरेक्सिया, एबडोमिनल पेन एंड वेट लॉस आर द कॉमन साइड इफेक्ट बट जो मेन मेजर साइड इफेक्ट जो आपको याद रखनी है वो है डिसकलरेशन ऑफ स्किन साथ में जो हेयर एंड बॉडी सिक्रेशन को भी सेम वही प्रॉब्लम ड्राइनेस ऑफ स्किन कि जिसके कारण हो जाता है इचिंग एंड प्रेगनेंसी के दरमियान इसको एवॉड करना है साथ में कि जो लीवर और किडनी डैमेज वाले जो पेशेंट है उनके लिए भी नेक्स्ट थर्ड ड्रग जो कॉम्बिनेशन में यूज होती है वो है रेफाम्पिन या फिर रेफाम्पिसिन दिस इज द इंपोर्टेंट ट्यूबरक् ट्यूबरक्लोसिडल ड्रग इज द मोस्ट पोटेंट सीडल ड्रग फॉर माइक्रो बैक्टेरियम लैपरे की जो कंप्लीटली कील ही करते हैं बैक्टीरिया को रैपिडली renders लैपोरसी पेशेंट नॉन contagious उसकी जो इफेक्टिवनेस आप देख सकते हो कि अप टू नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन्टी नाइन परसेंट माइक्रो बैक्टेरियल लैप्रेल क्ल इन थ्री टू सेवन डेज बाय सिक्स हंड्रेड एम जी पर डे डोज ओके मोस्ट आई एम पी पिन पॉइंट है आपके लिए खास आपकी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं एज अ मोस्ट आई एम पी पिन पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थ्री टू सेवन डेज के अंदर ही सिक्स हंड्रेड एम पर डे डोज से वो नाइनटी नाइन परसेंट नाइन नाइन परसेंट बैक्टीरिया को किल करता है कि जो उसकी इफेक्ट है सीडल रिफार्मेशन इनहिबिट द बैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल डीएनए डिपेंडेंट आर एन जिसके कारण क्या होता है इन्हीबिट uh, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस की जो डीएनए पे डिपेंड है आरएनए का सिंथेसिस और लास्ट में आरएनए डीएनए का फर्दर इनहिबिट हो जाता है सिंथेसिस और जिसके कारण बैक्टीरिया जो है वो फर्दर उसकी ग्रोथ नहीं कर सकते एंड रिजल्टिंग द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया सो साइड इफेक्ट ऑफ रिफॉर्मिशिन स्टमक अपसेट हार्ट बर्न नोजिया मैंटोरल चेंजेस और हेड एक में अकर्स

सो वॉट इज द ट्रीटमेंट मेथड विथ डोस डोस के साथ क्या कॉम्बिनेशन है तो सबसे पहले है मल्टी बेसिलरी जो है एम बी एल जो कहा जाता है कि उसकी ड्यूरेशन है टोटल ट्वेल्व मंथ बारह मंथ तक ये ट्रीटमेंट चलती है पेशेंट की एंड इट इज ट्रीट विथ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री ड्रग्स वन डेप्सॉन हंड्रेड एम जी डेल्ही सेकेंड रिफाम पीसिन सिक्स हंड्रेड एम जी डेली वंस अ मंथ एंड क्लोफाजी इनिशियली 100 एम फॉर 14 डेज देन 15 एम डेली एंड 300 हंड्रेड एम जी वन से मंथ सुपरवाइज डेली 50 एम डेली सेट ऑफ एडमिनिस्टर्ड तो ये कॉम्बिनेशन है मल्टीबेसिलरी के लिए सेकंड है पॉसीबेसिलरी की जिसको पीबीएल पॉसीबेसिलरी लेप्रोसी पोसी दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग्स वन इज डेपसन हंड्रेड एम जी रिफॉर्म पेशन सिक्स हंड्रेड एम जी वन मंथ तो ये सब ड्रग है ट्रीटमेंट मेथड विथ डोज हंड्रेड एम जी डोज है उसका वनस अ डे रिफॉर्म पे सिक्स हंड्रेड एम जी मंथली क्लोफाजीमिन फिफ्टीन टू हंड्रेड एम जी डेली इथियोनामाइड यूज होता है समझो तो टू फिफ्टी एम जी ओडी है ओडी मतलब वंस अ डे दिन में एक बार ओफ्लॉक्स दैट इज फोर 400 एम जी ओडी एंड क्लेथ्रोमाइसिन फाइव हंड्रेड एम जी तो इस तरह से जो गवर्नमेंट जो पेशेंट को देती है कि इस तरह से पूरी स्ट्रिप आती है कि यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज टू ड्रग्स दिट इज अ रिफॉर्म पिसन बीच में ये आप देख सकते हो और डेप्सोन की जो कॉम्बिनेशन uh, में है उसके ये किस तरह से डे वाइज यहाँ से ये यह जो आप देख सकते हो वंस अ डे यहां से स्टार्ट करते हैं कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके सेवन यहाँ पे देखो हर एक ब्लिस्टर के पीछे इस तरह से नंबरिंग होता है तो ये नंबरिंग के अकॉर्डिंग टू ही पेशेंट जो है वो मेडिसिन जो है वो लेता है तो पीबी एडल्ट मल्टी एमडीटी कॉम्बिनेशन हाँ पे आप देख सकते हैं फॉर द दैट पर्टिकुलर पेशेंट सो फ्री ऑफ चार्ज यहाँ पे लिखा है देखो कि जो भी ये मेडिसिन होती है वो पेशेंट को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है एंड फॉर द लैप्रोसी ऑनली सिर्फ लैप्रोसी के लिए इस तरह से ब्लिस्टर बनाए होते हैं फॉर द पेशेंट्स कि यहां पे भी आप देख सकते हो कि इच ब्लिस्टर पैक कंटेन्सर ट्रीटमेंट फॉर फॉर वीक चार वीक की ट्रीटमेंट है इसमें कि दैट यहाँ पे ये यह जो आप देखते हो ऊपर की ओर के वंस अ मंथ ओके कि डे वन तो क्या है टू कैप्सूल ऑफ रिफाम्पिसिन ओके डे वन में क्या है टू कैप्सूल ऑफ रिफाम्पिसिन मतलब कि हो गया थ्री हंड्रेड एम जी टू टोटल सिक्स हंड्रेड एम जी डोज डिलीवर हो गया पेशेंट को रिफाम्पेसिन का उसके बाद वन टैबलेट ऑफ डेप्सॉन जो डे वन के लिए है ये जो आप यहां पे देख सकते हो देन उसके बाद जो सेकंड टैबलेट से लेकर ट्वेंटी एट टैबलेट वो पेशेंट को लेनी है फॉर रिमेनिंग ट्वेंटी एट डेज ओके इस तरह से कि ये जो है ओके okay, ये दो मेडिसिन ये थ्री हंड्रेड एमजी वन टाइम थ्री हंड्रेड एमजी सेकंड टाइम टोटल हो गया डोज सिक्स हंड्रेड एम जी फिर साथ में ये एक लेगा डेप्सोन, ओके okay, तो ये डे वन का है कि डे वन को पेशेंट क्या करेगा थ्री हंड्रेड एम जी मॉर्निंग में लेगा रिफार्मिन फिर थ्री हंड्रेड एम जी इवनिंग में लेगा या फिर रात को लेगा और एक मेड एक टेबलेट लेगा डेप्सोन की ऑन डे वन फिर यहां से स्टार्ट हो होगा उसका शेड्यूल डे टू से डे टू से लेकर डे ट्वेंटी एट तक हर एक दिन एक डेप्सॉन की ये जो टैबलेट जो है वो पेशेंट लेता रहेगा कि ये है ट्रीटमेंट फॉर पीबी ओके कि जो पॉसी बे, बेसिलरी में हम दो ही मेडिसिन यूज करते हैं उसमें क्लोफाजिमिन की यूज नहीं की जाती है और उसका फुल कोर्स रहता है टोटल सिक्स ब्लिस्टर पैक अब ये वाला जो आप देखते हो बाजू में कि जो है मल्टी बेसिलरी एडल्ट ट्रीटमेंट ओके तो उसके अंदर क्या है कि ऊपर की ओर ये आप देख सकते हो वंस अ मंथ वंस ए मंथ तो जब फर्स्ट डे होगा तब पेशेंट क्या करेगा ये हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं ओके okay, यहां से आप देख सकते हो कि समझो कि फर्स्ट डे है ट्रीटमेंट का तो ट्रीटमेंट के फर्स्ट डे को क्या करेगा पेशेंट कि ये जो ऊपर की ओर ये अलग सा कट दिया हुआ है नीचे का भी आपको नहीं देखना है तो वंस अ डे पहले दिन जो है उसको दिन क्या करके दो कैप्सूल यहाँ पे दी हुई है रिफॉर्म फिसिन की और तीन कैप्सूल है क्लोफाजीमाइन की ओके यहाँ पे वन टू एंड थ्री ये तीन कैप्सूल आप देख सकते हो और साथ में ये वन टैबलेट दी हुई है डेप्सन की ओके तो पेशेंट क्या करेगा रिफॉर्म पिसिन उसको वंस मंथ ही लेनी है और उसका डोज रहता है थ्री हंड्रेड टू टाइम्स इन ए डे कि 300 हंड्रेड एम जी मॉर्निंग थ्री हंड्रेड एम जी इवनिंग और क्लोफाजिमाइन का डोज है हंड्रेड एम जी और वो लेगा थ्री टाइम्स उसके बाद क्या है बाकी जो हमने पी uh, बी के अंदर दिखाया कि जो नॉर्मली सेकेंड डे से फिर ये uh, चालू हो जाएगा पेशेंट के लिए कि वन कैप्सूल ऑफ क्लोफाजिमाइन लेगा हर दिन पचास एम जी की वो रहेगी और वन टैबलेट ऑफ डेप्सोन की जो रहेगी हंड्रेड एम और उसका फुल कोर से टोटल ट्वेल्विस्टर पैक ओके मतलब कि टोटल ट्वेल्व मंथ तक ये ट्रीटमेंट चलेगी अब दैट पर्टिकुलर पेशेंट और ये रहेगा सिक्स ब्लिस्टर मतलब कि छह मंथ तक उसकी ट्रीटमेंट चलेगी सो दिस इज द ट्रीटमेंट मेथड विथ प्रॉपर डोज यहां से चैट वाइज भी आप देख सकते हो कि एडल्ट के लिए मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी रिफाम पिसिन सिक्स हंड्रेड एम जी की जो वंस मंथली डेप्सोन डेली दी जाती है क्लोफासीमाइन 300 थ्री हंड्रेड एम जी वंस इन ए मंथली और क्लोफाजीमाइन डेली दी जाती है कि जो हमने आगे चार्ट्स में देखा फिर पीबी के अंदर रिफाम्पिसिन पिसिन एक ही बार और डेप्सोन जो है वो डेली दी जाती है पेशेंट को तो so, इस तरह से प्रॉपर ब्लिस्टर ही डिजाइन किए होते हैं अब समझो कि चिल्ड्रंस से तो चिल्ड्रंस के लिए डोज थोड़े कम हो जाते हैं चिल्ड्रंस के लिए आप देख सकते हो कि मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी तो उसके अंदर रेफाम्पिसिन का डोज है फोर फिफ्टी एम जी डेप्सोन पचास क्लोफाजिमिन वन फिफ्टी एंड क्लोफाजिमाइन फिफ्टी एम कि जो एम बी के लिए और पी बी के लिए है फॉर फिफ्टी एंड फिफ्टी एम जी सो so, ये जो चेंजेस ये आपको खास याद रखने हैं आई एम पी टेबल खास आपकी कॉपी में लिख सकते हो और इस तरह से ये चिल्ड्रंस के लिए अलग टाइप के जो ब्लिस्टर्स जो प्रेजेंट है सो द अप्रोप्रिएट डोज फॉर चिल्ड्रेन अंड टेन ईयर्स ऑफ एज कैन बी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट कि जो रिफॉर्म पीस नम जी पर किलोग्राम क्लोफाजिमाइन सिक्स एम जी पर किलोग्राम मंथली एंड वन एम जी पर किलोग्राम पर बॉडी वेट डेली एंड डेप्सॉन टू एम जी पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट डेली सो अंडर टेन ईयर्स का जो चिल्ड्रन है उसके लिए ये इस तरह से आप उसके वेट के अकॉर्डिंग टू उसके लिए मेडिसिन डिजाइन कर सकते हैं सो दिस इज द डिटेल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर लैप्रोसी हमने यहां पे कंप्लीट किया नेक्स्ट टैट्रा के बारे में पढ़ेंगे इन वीडियो लेक्चर पार्ट नंबर सिक्स ऑन द एंटीबायोटिक्स So, get the more video lectures on our mobile applications farmerox Android application on Google Play. Message to join our WhatsApp group. Send your name and city name in WhatsApp it to nine four two six one eight zero eight three six. For test series, contact on nine zero one six three one two zero two zero.